अपनी मशीनों के बारे में इनसे जानकारी चाहेंगे कि हमारी मशीन कैसी चल रही थी, क्या चीज़ थी, सही रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजीत पांडे है, मैं रीवा से बिलोंग करता हूं। मशीनों में जो बात है मेरे ख्याल से मेरठ में कहीं और नहीं दिखी है। मैं बहुत सारे करीबन 5-6 ऐसे जो जिम मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मिल चुका हूं, मगर वो मशीनों में वो दम नहीं है जो दम विशाल फिटनेस में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल फिटनेस पर। आज हम आपको कुछ वीडियो दिखाने वाले हैं जिम इक्विपमेंट के से रिलेटेड। ये देखो पूरा आप देख लीजिए किस तरीके से सारा सेटअप लगा हुआ है। ये विदाउट बिना कवर वाली मशीनें हैं, ये पूरा सेटअप जा रहा है एमपी रीवा। हम पहली मशीन आपको दिखाने वाले हैं लेग रेज, उस पर एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से होती है। ये हमने थोड़ा कर्व करा है साइड ताकि कोनी बाहर को स्लिप ना होए। ये चीज़ है पीछे बैक सपोर्ट अच्छी मिल जाती है। बस इसमें क्या है कि इजीली हम आराम से चल सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीज़ ये डिप्स लगेंगे, डिप्स लगा के देखा। बस अब जो दिखाने वाले हैं हम आपको दिखाने वाले हैं प्री चर्कल हैमर मशीन। इस पर एक्सरसाइज करके दिखाएंगे किस तरीके से होती है, ठीक है। प्रॉपर एकदम जबरदस्त काम करती है मशीन, वो आप देख सकते हैं। ये हमने हैंडल बिल्कुल आपके लिए थोड़ा रोटेट करा है ताकि एक्सरसाइज करते टाइम हाथ हमारा प्रॉपर चले। अब जो हम दिखाने वाले हैं आपको काफ बेंच दिखाने वाले हैं, इस पर एक्सरसाइज कर दिखाएंगे किस तरीके से होती है। यहाँ पे भी फुटरेस लगाया हुआ है ताकि पैर स्लिप ना हो हमारा। ये हमारा लेग प्रेस हैक स्क्वाड, ये हमारा सारा सिस्टम अलग ही है। इसमें ये हम अपने पैर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये लॉक वाला सिस्टम पूरा प्रॉपर एकदम जबरदस्त है ताकि आप लॉक करते टाइम एकदम से लॉक डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, स्लिप नहीं होगा। ये नीचे डाउन हो सकती है। ये सेट भी हमारी फोल्ड है ताकि उठा के एक तरफ रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ये चीज़ भी हमें हमारी प्रॉपर अच्छी तरीके से कवर कर लेती है। ये आगे हमने चेकर की प्लेट लगाई ताकि पैर स्लिप ना हो। यहाँ हम 5 फीट की रोड लगा के उसमें एक्स्ट्रा वेट लगा सकते हैं यहाँ पर, और पीछे 3 जगह तो भाई ये हमारा सिस्टम। अधिकतर क्या होता है कि कम वेट आता है पीछे, इधर 5 फीट वाली रोड आ जाएगी तो छोटी रोड है, बड़ी रोड रखे हम दोनों तरफ लगा सकते हैं वेट। अब जो दिखाने वाले हैं हम आपको ट्राइसेप्स हैमर मशीन। यहाँ आप चाहे जितना वेट लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो हम दिखाने वाले हैं आपको डंपल रैक, 3 लेयर में होगा ये। ये देखो किस तरीके से है, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं लैटरल डाउन हैमर प्लस इंक्लाइन चेस्ट है ये। पहले प्लास्टिक की लगती थी वो टूट जाती थी, ये सब मेटल में है, गुल्ला भी सॉफ्ट है और अच्छी क्वालिटी का है। और कैचर हमारा ये भी अलग ही है थोड़ा। देखो एक्सरसाइज पे
पूरा खिंचा हुआ आएगा, और वो आप देख के बता भी सकते हैं किस तरीके से मशीन का एंगल आ रहा है। इंक्लाइन चेस्ट दूसरी साइड है इसके, ये सब ब्रैकेट लगाया हुआ है अच्छा वेट लेने के लिए। ये हमारे वेट होल्डर हो गए, ये एक्स्ट्रा वेट लगाने के लिए है सब। हम दिखाने वाले हैं आपको लेग कर लेग एक्सटेंशन, पूरा सिस्टम हमारा नया है, इस चीज को आप देख सकते हैं किस तरीके से। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं बोर्ड विद डबल टेस्टर। आगे इसके भी नहीं लगाए हुए हैं ताकि आराम से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपने देखकर देखा होगा सिंगल ही एक रो लग जाता। जो हम आपको दिखाने वाले हैं स्क्वाइट मशीन, ये हमारा पूरा सिस्टम नया है, पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग ही है ये चीज़। पहले एक कांटा होता था केवल, वो गुल्ली जैसे हम गुल्ली बोलते हैं गुल्ली लगा देते हैं, वो सिस्टम खत्म कर दिया। इसमें लोग अच्छी तरीके से प्रोप ये बीच भी रोटेट करती है ताकि जब हम वेट उठाएँ तो पूरा वेट हमें। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रही है प्रॉपर, ना नहीं कहीं से घिसा पिटा, बिल्कुल एकदम पकड़ एकदम मजबूत। पीछे स्क्वाट लगा दिया हमने, हम आपको दिखाने वाले हैं और मल्टी एडजस्टेबल बेंच। चलिए ये भी पूरा हमने नया लेयर बनाया है, ये सब लेजर कटिंग से तैयार हो रही है ये सब। बंदा एक्सरसाइज करते टाइम आगे को स्लिप ना हो, पीछे इसमें हमने व्हील लगाए हैं ताकि जिम में आप थोड़ा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा ले जा सकते थोड़ा पूरा। चलो जो हम आपको दिखाने वाले हैं लैटरल डाउन भी थ्रोइंग मशीन दिखाएं। ये सब लेदर से तैयार हुआ है, नीचे का पूरा सिस्टम ये भी हमने चेंज किया है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग।
पैर के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं ताकि प्रेशर अच्छी तरीके से पूरा प्रॉपर आपको मिल सके। क्या ऊपर आपको मिलेगा अधिकतर क्या होता है कि यही लगा देते हो पैर में भी आपके अड़ता चाबी वाला अलग ही है ये पूरा गाइड करके चलता है। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं फंक्शन जनरल मशीन है वो देखिए। ये प्रॉपर आप होल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए मल्टी एंगल है हम आपको दिखाने वाले हैं ओलंपिक रेड बेंच देखो आराम से लेटने के बाद अपलोड आराम से उठा सकते हैं। खाने के लिए होते हैं पेट होल्डर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो इंक्लाइन बेंच ओलंपिक है। दिखाएंगे इंक्लाइन बेंच ओलंपिक ये हम अपने पैर के अकॉर्डिंग पैर फंसाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ से भी एडजस्टेबल है ये सीट भी हमने इसलिए चौड़ी रखी ताकि आप आराम से लेट के एक्सरसाइज कर सको नहीं तो आपने देखा होगा छोटी छोटी सीटें होती उन पर सही से बैठा भी नहीं जाता। जो हम आपको दिखाने वाले हैं साइड बैक हैमर
ये हमारे सर हैं अजीत पांडे सर, ये एमपी रीवा से आए हैं, फिटबॉक्स जिम के नाम से इनका जिम है, तो हम ले रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजीत पांडे है, मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं साजिद भैया से, अभी भैया से 2019 में मिला हूँ। अपनी मशीनों के बारे में इनसे जानकारी चाहेंगे कि हमारी मशीन कैसी चल रही थी, क्या चीज़ थी, सही थी या गलत था, ताकि और जो लेने वाला है सेटअप, ताकि उस चीज़ को नोटिस कर सके कि हम सही चीज़ दे रहे हैं या लोगों को वैसे ही गलत माल दे। और तब से अभी तक हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बने रहे हैं। इनकी मशीनों में जो बात है, मेरे ख्याल से मेरठ में कहीं और नहीं दिखी है। मैं बहुत सारे करीबन 5-6 ऐसे जो जिम मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मिल चुका हूँ, मगर वो मशीनों में वो दम नहीं है जो दम विशाल फिटनेस में। आप आँख बंद करके इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उतने ही हम्बल हैं ये और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। इनके जैसा इंसान मुश्किल है, मतलब ईमानदारी जो होनी चाहिए ना वो ईमानदारी इनके अंदर दिखी है। और अभी हम लोग परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, तो इन्होंने सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सब कुछ देखा हुआ है, और क्या कहते हैं डिस्पैच भी बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी मशीनों में कहीं खरोच तक नहीं आती। और अदरवाइज ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज आते हैं मशीनों में, मगर ऐसी पैकेजिंग रहती है कि मशीनें जब वहाँ जाती हैं तो बहुत कम नॉमिनल जो स्क्रैच होता है, ऐसा तो ऑनलाइन में भी रहता है कि स्क्रैचेज आ जाते हैं, मगर इनकी पैकेजिंग में वो बात है कि बहुत ज़्यादा आप उसको रिवर कर सकते हो पेंट, स्प्रे पेंट के थ्रू, मगर मशीनें जो स्मूथ चलती हैं, मैं तो 2019 से चला रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा मेंटेनेंस करिए। मेरा जो जिम है रीवा में फिटबॉक्स जिम के नाम से है। जिस बंदे को भी अगर मशीनों के बारे में जानकारी चाहिए कि यार कैसे मशीनें चल रही हैं, क्योंकि मेरठ थोड़ा दूर पड़ता है, जो भी एमपी के भाई बहन हैं जो मेरे आसपास के हैं, सीधी सिंगरौली सतना भोपाल कहीं के भी हैं, वो अगर मशीनों को देखना चाहते हैं तो एक बार विशाल फिटनेस के मशीनें हमारे पास हैं। हमारी दूसरी ब्रांच भी इटौरा में इस्टेब्लिश होने वाली है जल्दी ही, 26 जनवरी के अंदर अंदर, तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो मशीनें तो पहुँच जाएंगी। अगर आपको देखना है विशाल फिटनेस की मशीनें तो आप रीवा में आके देख सकते हैं। एड्रेस है जनता कॉलेज गेट नियर यूनियन बैंक बिल्डिंग, पहली ब्रांच है फिटबॉक्स के नाम से, दूसरी ब्रांच है इटौरा में मातोश्री आईटीआई के बगल में। मेरे भाई हैं पवन, ये आपको कुछ और भी चीज़ें जानकारी बताएं। मेरा नाम पवन पटेल है, ये मेरे अजीत भैया हैं। मैं पहले इनके जिम में गया था पुराने वाली में, जिसमें जो जनता कॉलेज के पास है, तो वहाँ की मशीनें मेरे को बहुत अच्छी लगी, भैया का नेचर बहुत अच्छा लगा, इस वजह से फिर हमने कोलैब किया और साथ में एक नया सेटअप डालने की तैयारी की। और इटौरा में अब हमारा दूसरा सेटअप जा रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं मशीनें, ये सारी सेकंड उसकी है, सेकंड ब्रांच की। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरे जितने भी भाई बहन हैं मेरे एमपी के, अगर उनको जिम का सेटअप लेना है तो वो आँख बंद करके विशाल भैया से बात कर सकते हैं, वो उनका नंबर भी शो केस कर रहा होगा नीचे, तो आप उनको देख लीजिएगा, उनसे कॉल कर लीजिएगा। और फीडबैक अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से भी कॉल कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, नियर बाई रहेगा, आप आराम से पहुँच सकते हैं, बस ट्रेन कैसे भी आ सकते हो। और दोनों मशीनों के, एक 2019 की स्टेब्लिश है और एक अभी नई स्टेब्लिश हुई है, तो दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा कि मशीनें एक्चुअल में है क्या, 4-5 साल में मशीनें कैसी हो जाती हैं। अगर आप उसका अच्छे से मेंटेनेंस करेंगे तो मशीनें हमेशा चलती रहेंगी। मशीनों में कोई डाउट नहीं है कि मशीनें किसी तरह की कमी है, पूरी तरीके से हम 100% सब सही। वो तो अब आपने देख ही लिया होगा हमारे बारे में कैसा बताया है सर ने, क्योंकि हमसे ज़्यादा ये चीज़ करेंगे, बताएंगे, नोटिस करेंगे क्या चीज़ गलत है क्या नहीं है, तो बेहतर ये है कि ताकि आपको भी आगे जाके पता चले कि ये सही चीज़ है नहीं है। हमारा जो एड्रेस रहेगा दिल्ली से 75 किलोमीटर है, ये मेरठ सिटी है, ये लिसाड़ी रोड तारापुरी बरकत वाली गली कहलाती है। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वॉकिंग डिस्टेंस पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।